अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सारे भाई खैरियत से होंगे। ये आज हम एक नया इन्वर्टर आया है मार्केट के अंदर, उसका रिव्यू करेंगे। ज़ूनिक नाम से इन्होंने निकाला है जी इन्वर्टर। जो सीरीज़ इसकी आ रही हैं वो पहले कुछ और आ रही थी, अभी जो सीरीज़ आई है वो एम के नाम से आई है, एम सीरीज़ है। इसमें बहुत सारी रद्दबदल हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपको पता है मैं किसी का लिया दिया बर्दाश्त नहीं करता। मकसद ये है कहने का कि भाई किसी से हम कुछ खाते नहीं हैं। जो चीज़ रेट में कम हो, स्पेसिफिकेशन उसके अच्छे हों और काम वो सही कर रहा हो तो वो मैं आपको लॉन्च करके देता हूँ, वो आपको दिखाता हूँ। तो ये आपको दिखा देते हैं भाई। तो ये ग्रोवार्ड पीके, जो हमारा पाकिस्तान का ग्रोवार्ड है, इसमें भी दो कैटेगरी हैं। एक ग्रोवार्ड आता है ऑन ग्रेड जो चाइना का है, एक है पीके पाकिस्तान का ग्रोवार्ड जो आप हाइब्रिड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफ ग्रेड के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। छोटे जो इन्वर्टर हैं वो ग्रोवार्ड पीके के नाम से आते हैं। तो इनकी ब्रांड इन्हीं का है ग्रोवार्ड का। तो ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, एक मेरे पास हाइब्रिड 4G 48 वोल्ट पे ऑपरेट है। तो इसमें छोटी सी एक रद्दबदल है जो मैं आपको दिखा दूँ। ऑन ऑफ ग्रेड भी है, ये 5 साल की वारंटी के ऊपर है। ये वारंटी क्लेम टर्म एंड कंडीशन होती है, ये देखें लिखा हुआ टर्म एंड कंडीशन। इस ये अलग बहस है, ये मैं आपको अलग बताऊंगा बाद में। तो ये हाइब्रिड 4G है। तो इसमें 120 एम्पेयर का कंट्रोलर है, MPPT है और एडिशनल वाईफाई है। एडिशनल ये इन्होंने लिखा हुआ है, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई इनकी। एडिशनल वाईफाई है, इसके साथ अपनी वाईफाई नहीं है। लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और बाकी चीज़ें भी इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर वाईफाई को ऑपरेट करना होगा, वाईफाई आपने लगानी होगी तो उसकी ऐप दी हुई है, ये देखें ये ऐप है इसकी, ठीक है। वाईफाई की वेबसाइट है, ये चेक कर लें आप, ये सारा इसके डिटेल बताई हुई है इन्होंने। इनकी 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे पसंद हैं, जो इन्होंने निकाल के दी हैं इसमें इन्वर्टर में लगाई हैं। एक तो इसकी खूबसूरती बहुत काफ़ी हद तक बेहतर है। ये समझ लो कि फ्रोनस वाला जो इन्वर्टर आया है, फ्रोनस और ये समझ लो कि भाई भाई हैं, तकरीबन सेम है। और कुछ थोड़ी बहुत फ्रंट से रद्दबदल है, बाकी सेम ही है तकरीबन। तो इनकी जो सबसे अच्छी बात जो है, अच्छा काम है, ये 6000 इन्वर्टर है लेकिन इसके ऊपर PV जो लग सकती है आपकी वो 7000 वाट की PV लग सकती है। 600 वाट से ऊपर के पैनल लग सकते हैं, 600 वाट तक ये सपोर्टेड करता है। और बाकी ये चीज़ें आपके सामने हैं, इंक्लूडेड है, बैटरी के बगैर, बैटरी और विदाउट बैटरी दोनों के काम करता है। प्राइस भी इनके मुनासिब हैं, इनवरेक्स से तो बहुत लाख दर्जे अच्छा है और फ्रोनस की टक्कर में चल रहा है ये। सेम ही रेट है तकरीबन, 19-20 का फ़र्क होगा। तो वाईफाई इसमें नहीं है, टच स्क्रीन नहीं है। तो बाकी चीज़ ये मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ इंशाल्लाह एक जगह पे, तो दूसरी जो वीडियो मैं आपकी बनाऊँगा तो वो मैं आपको इसकी दिखा देता हूँ, जो इंस्टॉल करने के बाद आपको इसकी पूरी वीडियो बना के देता हूँ मैं आपको। उम्मीद है ये आपको भी ब्रांड पसंद आएगा और बाकी भी इसके जो जितनी भी कैटेगरी आई हुई वो सारी लगाऊंगा, 1 by 1 करके आपको देता रहूँगा। अगली वीडियो नेक्स्ट में आपको इंशाल्लाह दूसरे का रिव्यू करेंगे, 4G जो है, 4 किलोवाट, 1.5 भी इनका आया हुआ है और बहुत सारे इन्वर्टर आए हुए हैं इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उसका भी देते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसके सारे फ़ीचर और इसकी जो पावर है वो आपको चेक कराएँगे। अल्लाह हाफिज़।